शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी, और आज हम जानेंगे, लिखेंगे हम अगले अपने जी अगले मेन्यू अपने टूल बॉक्स के बारे में, जिसका नाम है पैराग्राफ। चलिए लिखिए पैराग्राफ, PAGRAPH पैराग्राफ। इसका पहला जो टूल है उसका नाम है, इसके पहले टूल का नाम है बुलेट्स। बुलेट्स के बारे में हम पहले जानेंगे। बुलेट्स है, इसका प्रयोग पैराग्राफ के पहले अलग अलग डिजाइन के सिग्नल देने के लिए बुलेट लेते हैं। बुलेट के लिए होता है। अगला है हमारा ये दूसरा ऑप्शन है हमारा नंबरिंग। इसके द्वारा प्रत्येक पैराग्राफ के पहले क्रमशः नंबरिंग देते हैं। अगला है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। इसके द्वारा किसी पैराग्राफ के अंदर यदि किसी प्रकार या कैटेगरी भाग को बुलेट नंबरिंग या आइकॉन द्वारा सिग्नल देना हो इसका हो तो उपयोग करते हैं। अगला इंडेंट, पहला है डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट है पैराग्राफ को
पतला करने के लिए। इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है इंक्रीज, इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट। पैराग्राफ को चौड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है अलाइन, अलाइन। पैराग्राफ को पेज पर लेफ्ट राइट या सेंटर में करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है लाइन स्पेसिंग, SPACING स्पेसिंग। पैराग्राफ के बीच के दूरी को कम ज्यादा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है शेडिंग, शेडिंग। पैराग्राफ के पीछे कलर की परछाई देने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है बॉटम बॉर्डर, पैराग्राफ के चारों तरफ टेबल क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। पैराग्राफ को अल्फाबेटिकली
बढ़ते या घटते घटते क्रम क्रम में करने के लिए प्रयोग करते हैं। सो एंड हाइट छिपे हुए सिंबल को शो शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हमने लिखा फॉन्ट के बारे में। आइए चलिए अब हम इसको समझते हैं एक एक करके, इसके ऑप्शंस को हम समझेंगे। हाँ हाइड ही रहता है, हाँ सो करने के लिए हाइड ही रहता है, सो करने के करेंगे सो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी तो अपना मस्तिष्क लगा ही लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम पैराग्राफ में हैं, पैराग्राफ में हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया पैराग्राफ के लिए, वैसे ये काम करता है किसी पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ एमएस वर्ड के हिसाब से, जैसे कि जब तक आप एंटर नहीं कर रहे हैं तब तक नया पैराग्राफ प्रारंभ नहीं हो रहा। जैसे कि माय नेम इज प्रदीप एंड आई वर्क इन वेदांत श्री। It is a good institution of computer education। अब मैं एंटर करूंगा तो समझिए अब नया पैराग्राफ प्रारंभ हो गया। जैसे वेदांश्री प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन लाइक CCC DCA ADCA यूनिवर्सिटीज कोर्सेस। ठीक है, तो जब भी हम एंटर कर देंगे इसका मतलब ये होता है कि हमने नया पैराग्राफ प्रारंभ कर दिया है। तो पैराग्राफ के लिए इसके सारे ऑप्शन काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मान लीजिए हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ ब्लिंक कर रहा है और मैं जाकर यहाँ पर बस बुलेट वाले ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। अब ये बुलेट आ गया। ठीक है, बुलेट आ गया। फिर यहाँ पर मैंने जाकर क्लिक कर दिया, यहाँ मैं जाकर के मैंने क्लिक कर दिया बुलेट ऑप्शन पर, यहाँ पर बुलेट आ गया। अब इसके बाद मैं अगर लिख रहा हूँ तो फिर मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके बुलेट आ जाता है। जैसे किसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर किया अपने आप बुलेट आ गया। ठीक है ना, जैसे CCC इज द कोर्स ऑफ डोएक, इट इज वेरी डिमांडेड कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन सम ऑफ मेंटेड जॉब गवर्नमेंटेड जॉब। ठीक है,
तो अब फिर मैं एंटर करूंगा तो वो अपने आप बुलेट आ जाएगा, क्लियर है ना। अब वहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के हैं, उसके ठीक बगल में एक बटन, उस पर आप क्लिक करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे बटन ऐसे हो जाएं आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने मैटर को चेंज कर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद से आप जाइए और ये रहा देखिए सबके बुलेट इस तरह से हो गए, इस तरह से हो गए, इस प्रकार से हो गया, इस तरह से एरो हो गया, चेक हो गया। तो आप जो है बुलेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट चेंज करने का यहाँ पर आपके पास विकल्प होता है, जैसे मैं फिर जा कर के एक और बुलेट ले रहा हूँ, मैंने एंटर किया जाओ, ठीक है। फिर मैं एंटर करूँगा यूनिवर्सिटी कोर्सेज वेदांश्री, VEDANTSR वेदांश्री, प्रोवाइड ऑल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेलिंग सही है, ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज, ठीक है। अभी मैं क्या इसको सेलेक्ट करता हूँ और जाकर के मैं वहाँ से बुलेट चेंज कर सकता हूँ, मैं ये जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। इतना ही नहीं है, हम यहाँ पर जाकर के और उसके बाद से कौन सा पैराग्राफ कितना आगे होगा इसकी भी हम बदलाव कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कुछ अपना बनाया हुआ कोई बुलेट लगाना चाहते हैं, खुद का बनाया हुआ कोई अगर बुलेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाएँ, क्या करना होगा आपको, डिफाइन न्यू बुलेट में आप जाइए और यहाँ से जाने के बाद से फिर आपको पिक्चर पर क्लिक करना होगा, और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद से इंपोर्ट पे जाना होगा, और इंपोर्ट पे जाने के बाद से डेस्कटॉप पे या कहीं भी अगर आपने कुछ इस तरह का तस्वीर बनाया हो तब उसे ले लीजिए। जैसे कि ये MS Word का मैं ले रहा हूँ, मैंने ऐड कर दिया, ये रहा, मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है अब हर जगह ये बुलेट मैंने MS Word का ले लिया, ठीक है। सबसे मज़ेदार बात ये होती है आप अपना फ़ोटो का बुलेट कर सकते हैं, फ़ोटो आपकी फ़ोटो हो तो आप बुलेट बना सकते हैं, ठीक है। खुद की फ़ोटोग्राफ्स का आप बुलेट दे सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ोटोग्राफ्स लगाता हूँ वेदांश्री का, मैं फ़ोटोग्राफ्स लगा दे रहा हूँ, ये रहा, मैं ये फ़ोटो लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, सेव मैंने किया, क्लियर, चलिए सेव हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ, क्या तरीका था मैं भूल चुका हूँ, फिर से बताइए जरा, तो आप बताइए क्या करना होगा मुझे। यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर मैं कहाँ जाऊँ, डिफाइन न्यू बुलेट, फिर मैं कहाँ जाऊँ, नहीं पिक्चर पे, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, इम्पोर्ट पे मुझे क्लिक करना होगा, फिर मैं क्या करूँ, जहाँ भी वो तस्वीर है, तस्वीर 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 ये है, मुझे ऐड करना होगा, ये रहा, इसको अब सेलेक्ट कर लूँ, पहले ये सेलेक्ट था, अब इसको सेलेक्ट कर लूँ, ओके किया मैंने और मैंने ओके कर दिया, अब हर जगह ये आप देख रहे हैं कि हम लोग बुलेट, अब मैं एंटर करूँगा तो अब ये ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने खुद का बुलेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बुलेट के बारे में जाना, अब हम चलते हैं नंबरिंग के बारे में जानने के लिए, किसके लिए, नंबरिंग के लिए। नंबरिंग देखिए क्या करता है, ये भी ठीक यही काम करता है, लेकिन तो ये क्रम देता है, नंबरिंग देना शुरू कर, जैसे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, हाँ वो भी नंबरिंग अलग अलग स्टाइल में आता है, जैसे क्रम से बता देगा कितने पैराग्राफ हुए हैं। नंबरिंग के लिए ये डिजिट का इस्तेमाल करेगा, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेगा, अल्फ़ाबेट में भी कैपिटल में, स्मॉल में, रोमन जो होता है, रोमन जो सिंबल होते हैं उसका ये इस्तेमाल करता है, जैसे 1 2 3 4 अब आ गया ना। और हम लोग फिर मैं जा करके मैं कुछ दूसरा ले रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ले रहा हूँ, मैं रोमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ ABCD कैपिटल में ले रहा हूँ, ABCD ब्रैकेट, तो ये तमाम अलग अलग यहाँ पर हैं इनका हम, और भी कुछ अलग अलग तरह के हैं होते हैं सिंबल, नंबरिंग में भी होते हैं, यहाँ पर आप नंबरिंग वैल्यू में जा करके सेट कर सकते हैं, कहाँ से आप चाहते हैं लिखना शुरू हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत इसकी कहाँ से हो, डी से लिखना शुरू करें तो डी से लिखना शुरू कर देगा, आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पर, हाँ यहाँ पर जाइए और डिफाइन कर दीजिए, डी से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ भी है पैराग्राफ पहला आपका उसको डी से शुरू करना चाहते हैं, अगर वो मान लीजिए ABCD में है, अगर आप इसे नंबरिंग में कर दे रहे हैं, नंबरिंग में हो गया,
तब भी आप जाएंगे और कहाँ पे जाना होगा, वैल्यू में जा करके, और आप इसे सेट कर सकते हैं, चार से कर दीजिए, चार से सेट हो गया, क्लियर है। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और फिर अगर हम चाहते हैं न्यू फॉर्मेट अगर हमें में डिफाइन करना है, जैसे कि मान लीजिए ये चार के बाद डॉट दिखा रहा है, ठीक है, चार के बाद डॉट नहीं, आप डैश देना चाहते हैं, चार के बाद क्या देना चाहते हैं, डैश देना चाहते हैं, तो सबके बाद क्या आ गया, दिख रहा है आपको, डैश आ गया, क्या आ गया, डैश आ गया। अपनी इच्छा अनुसार अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं या चार के बाद लिखना चाहते हैं, पी आर ए डी डब्ल्यू पी प्रदीप लिखना चाहते हैं, तो अब ये सब के आगे क्या हो जाएगा, चार प्रदीप, चार प्रदीप, चार प्रदीप। तो यहाँ ये जो है, इस तरह से भी आप इनको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। और फॉन्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क ख ग घ से लिखना चाहते हैं तो क ख ग घ यहाँ पे आ जाएगा, ये क प्रदीप, घ प्रदीप, ग प्रदीप पूरा दिया गया है यहाँ पर। और आप और देखिए यहाँ पर क्या क्या आपके लिए मिलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लीजिए, और मैंने ओके कर दिया, फोर्थ प्रदीप, फिफ्थ प्रदीप, सिक्स्थ प्रदीप, सेवन्थ प्रदीप, इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिंपल कर दे रहा हूँ, मैं ये सिंपल करता हूँ, और नंबरिंग मुझे चार से नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग मेरा स्टार्टिंग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, मैं ये कर लिया, मैंने सिंपल हो गया, ठीक है। डैश मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना डैश हटा दे रहा हूँ, डैश मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, ये डैश मैं हटा दे रहा हूँ, मैं सिंपल डॉट ले रहा हूँ, और ये जैसे था वैसे मैंने कर दिया, क्लियर है। तो ये टोटल इस प्रकार से काम करता है। और हम अगले चलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा इसके लिए दिमाग लगाना होगा आपको। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये मैंने दिया, मैंने लिखा है माय नेम इज प्रदीप एंड आई वर्क इन वेदांश्री, इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। अब मैं लिखना चाहता हूँ वेदांश्री कई जगहों पर काम करता है, मुझे अगर ये लिखना है तो मैं एंटर करूँगा और लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ वेदांश्री वर्क इन वी आर इन वाराणसी, वर्क इन वाराणसी, सो मेनी प्लेसेस, एम ए एन वाई, स्पेलिंग सही तो है जी, वाई इट इज गलती, इट इज सोइंग गलती, सो मेनी पी एल ए सी प्लेसेस एज लाइक जैसे कि, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे नंबरिंग अब उनका देना चाहूँगा, मुझे उनका नंबरिंग देना है, तो मैं मल्टी लेवल लिस्ट में हूँ ना, तो मैं ये आ जाऊँगा, ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी ले लो, लेकिन उसमें भी ए बी सी डी शो करेगा, मैं इसको इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं एंटर कर दिया, मैं क्या कर दिया, एंटर, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं जा करके फिर, सॉरी मल्टी लेवल लिस्ट ये है, अब मैंने जा करके ये ले लिया है बारी, हाँ एंटर किया हूँ, मल्टी लेवल लिस्ट पे मैं जा करके सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पहले का कौन सा आ गया, ये पहले का पहला है, जैसे कि दुर्गा कुंड, फिर पहले का दूसरा आ जाएगा रामनगर, फिर पहले का तीसरा आ जाएगा चितईपुर, फिर पहले का चौथा आ जाएगा बाईपास, फिर पहले का पांचवा आ जाएगा राजा तालाब, इस तरह से ये नंबरिंग आ जाएगा। अब आप चाहते हैं राजा तालाब में भी अब वहाँ के बारे में कुछ हो, तो फिर एंटर करिए और जो लिखा है उसे डिलीट कर दीजिए, और फिर जाइए उसी पे क्लिक करिए, उस पे जाकर क्लिक करिए, ठीक है ना। और फिर मैंने एंटर किया, अब देखिए पांचवे के पहले का पहला आप शो करेगा यहाँ पर, मतलब नंबरिंग के अंदर नंबरिंग कर सकते हैं, राजा तालाब में कहाँ पे, यम मान सराय में, और राजा तालाब में कहाँ पे, राजा तालाब में इस तरह से हम ऑप्शन दे सकते हैं, एक ऑप्शन के अंदर ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने नंबरिंग दिया है ये 1 2 3 4 5 के बजाय ए बी सी डी आ जाए, तो आप यहाँ पे आएँ, ये देखिए पहले का ए बी सी डी ई, फिर ई के अंदर पहला और दूसरा, इस तरह से क्रम कर, पहला ये एक तरफ ब्रैकेट था, फिर ए बी सी डी ई, फिर इसमें दोनों तरफ ब्रैकेट दे करके 1 2, तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन अगर लेना हो तो ये मल्टी लेवल लिस्ट काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडेंट के बारे में, ग्रो इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, हमें पैराग्राफ को अगर पतला और चौड़ा करना है तो इसके लिए काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं सेलेक्ट किया और मैंने ये सिंपल हटा दिया, ये आ जाओ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हट जाओ, नन कर दो, क्या है, नन कर दो, ठीक है। तो अब जैसे मैं पैराग्राफ ये है, मैंने पैराग्राफ लिया है, हाँ
ये मेरा पैराग्राफ है और मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मुझे पतला करना है, ठीक है। तो मैं इसमें इंडेंट पे जाऊँगा और इनको मैं ग्रो फॉन्ट में, सॉरी डिक्रीज है ना, ऑलरेडी मैं इनको कर चुका हूँ चौड़ा, यहाँ से हम इन्हें पतला करेंगे। देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैं इनको कर रहा हूँ, जब ये रहते हैं तो इनको और हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये डिक्रीज और इंक्रीज का काम इन दोनों से किया जाता है, ये इस साइड में काम करते हैं, ये इस साइड में काम करता है, ये इस साइड में हमने इतना पतला कर दिया, और वही अगर इधर बढ़ाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा बढ़ा रहता है इधर, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस साइड में हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब हम चल रहे हैं सॉर्ट दिया वर्ड, क्या है सॉर्ट, अगर बाई जैसे कि ये एम है, ये शुरुआत हुआ है वी से, ये सी से, ये इन से। तो अगर ए बी सी डी के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं अभी जाके क्लिक करूँगा, सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले सी वाला पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। आइए, सेलेक्ट किया मैंने और मैं जा करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर दिया है पैराग्राफ को, ठीक है। पैराग्राफ को मैंने दिया है असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग, घटते क्रम में। अब मैं ओके कर दिया, सबसे पहले कौन सा आ गया पैराग्राफ, उसके बाद वी। अगर वही घटते क्रम में करना हो तो मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद शॉर्ट पे जाऊँगा और डिसेंडिंग पे क्लिक कर दूँगा, फिर मैं ओके करूँगा, घटते हुए सबसे पहले वी, फिर एम, फिर आई और सी। तो शॉर्ट करते हैं अल्फाबेटिकली, इससे हम बढ़ते या घटते क्रम में करते हैं, क्लियर है, सेलेक्ट करके ही करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये रहा इसका जो सो, ये वैसे भी इसका इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं, जैसे कि अब क्या हिडन है, हिडन क्या है, स्पेस ही तो हिडन है, और क्या हिडन इसमें आपको क्या दिख रहा है, स्पेस हिडन है। कहीं अगर आपने एंटर मार दिया है तो जैसे मान लो यहाँ एंटर मार दिए हैं तो यहाँ एक स्पेस हो गया, तो ये हिडन है। अब मैं सेलेक्ट करके उसके बाद ये वाला क्लिक कर दे रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ जो जो आपको हिडन दिख रहा है वहाँ वहाँ ये शो करना, दर्शाना शुरू कर देगा। देख लीजिए यहाँ बीच में स्पेस है, यही सब ये शो करता है, ठीक है। ये क्या शो करता है, सिंबल ही शो करेगा, मतलब ये दिखाता है कितने स्पेस हैं, कितना स्पेस आपने वहाँ पे दे रखा है, क्लियर है। तो सेलेक्ट करके फिर इसको इस पर क्लिक कर दीजिए, सब चला जाता है, तो ये हमेशा जो है हाइड ही रहता है। अब देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको हम थोड़ा सा वो कर ले रहे हैं, ये इस समय लेफ्ट साइड में सेंटर में करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे सारे मैटर सेंटर में दिख रहे हैं, इधर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और ये जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो एक तरफ से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इस पे भी उसका यही फॉर्मेट होता है, लेकिन जस्टिफाई में क्या होता है कि लाइन को क्रम से कर किया जाता है, इस तरफ भी अगर जगह होता है, जैसे मान लीजिए तो लाइन यहीं पर ख़त्म हो जा रही है, लाइन यहीं पर ख़त्म हो जा रही है, लेकिन अगर लाइन अगर ये बढ़ती तो इधर के भी हिस्से को बराबर करता है, जस्टिफाई में दोनों तरफ बराबर करता है, क्या करता है, यहाँ सिंबल में भी दिया हुआ है दोनों तरफ बराबर है। इसमें क्या है कि एक तरफ बराबर करेगा, इधर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, दिख रहा है कि नहीं सिंबल में। इसमें क्या होता है कि बस वो बीच में कर देगा, और इसमें क्या है इस तरफ बराबर करेगा, इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इसमें क्या करता है दोनों तरफ बराबर। ये क्यों नहीं बराबर किया है, फिर बताइए बराबर क्यों नहीं है पहला लाइन, क्योंकि ये यहीं पर ख़त्म हो गया है, ये पहला वाला पैराग्राफ यहीं ख़त्म हो रही है, दूसरे वाला पैराग्राफ तो यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन तीसरे वाला पैराग्राफ नीचे तक आ रही है, इसलिए इसको यहाँ खींच तक ला खींच करके इधर भी बराबर कर रहा है, ठीक है। तो जस्टिफाई में क्या करता है दोनों तरफ बराबर कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब ये देखिए अब पैराग्राफ ही है ना हमारे सब, ये तो दो पैराग्राफ के बीच की अगर दूरियों को हमें घटाना बढ़ाना हो तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये दो पैराग्राफ हैं, ये हो गया ना यहाँ तक, अब हम इसमें गए, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखिए पैराग्राफ के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो गई, यहाँ एक पे कर दिया और ख़त्म हो गया। पैराग्राफ के बीच की, लाइन के बीच की नहीं, पैराग्राफ के बीच की दूरियां कम होती हैं, क्या होती हैं, अब मैं बड़ा कर रहा हूं, देखो दूर दूर हो गया, एड स्पेस मैं कर दे रहा हूं, अब ये पैराग्राफ जो है बड़ा होता जा रहा है। मैं पैराग्राफ के बीच में 0.2 का मैंने स्पेस दे दिया, ये देखिए 0.2 का ये स्पेस आ गया, 1.0 मैंने कर दिया, 1.0, ठीक है। अब ये पैराग्राफ को कलर के, पैराग्राफ के बैकग्राउंड को मैं परछाई देने के लिए, शेड देने के लिए, पैराग्राफ के पूरे ये जो था ये
फॉन्ट किसी शब्द के पीछे देता है? नहीं, ये टेक्स्ट को कलर करने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है, वो टेक्स्ट को कलर करता है, और ये हाँ पैराग्राफ को कलर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला आपका ये हो गया, जितने को सिलेक्ट किए रहेंगे तो उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना हो तो ये करता है, जैसे बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट किया इसके नीचे बॉटम नीचे आ गया, टॉप पे करना चाहते हैं उसके ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे इधर कर दिया, और राइट पे करना चाहते हैं राइट में, यानी इसको एक डब्बे में कर दिया। जिसको आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसको ये चारों तरफ क्या करता है, वो क्या करता है, बॉर्डर बना देता है, टेबल के अंदर कर देता है, टेबल बना देता है। ठीक है, वैसे नो बॉर्डर पे हमेशा रहता है। तो इस तरह से इसका आपने आज प्रयोग देखा, ये हमारा। अब इसके बाद हम आगे स्टाइल्स के बारे में जानेंगे।